किसानों को चाहिए हर उपज का सही दाम, कौन चलाता हिंदुस्तान। भारत का मजदूर किसान आज संयुक्त किसान मोर्चा और नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा बड़वानी कृषि उपज मंडी से कारंजे चौक तक शहीदों को नमन करते हुए ट्रैक्टर रैली शुरू होकर सजवानी, रेहगुन, बालकुआ, तलवाड़ा, बुजुर्ग से होते हुए अंजड़ तक निकाली गई। ये रैली किसानों, मजदूरों, पशुपालकों, मछुआरों सभी की मांगों को लेकर निकाली, जिसमें किसानों की उपज का सही दाम देना, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कानून बने जिससे अनाज, तिलहन, वनोपज, फल, सब्जी, दूध सभी को सही दाम मिल सके। संयुक्त किसान मोर्चा को दिसंबर 2021 में लिखित केंद्र शासन द्वारा आश्वासन दिया था, राष्ट्रीय समिति बनाकर किसान आंदोलन के प्रतिनिधि सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कानून बनाने को, लेकिन आज तक आश्वासन का पालन नहीं किया। किसानों को चाहिए C2+50 के स्वामीनाथन आयोग के समीकरण से लागत में किसान परिवार का योगदान भी गिनकर 1.5 गुना दाम देना है, लेकिन आज तक आश्वासन पूरा नहीं किया। इस रैली में नर्मदा घाटी के गांव पिछोड़ी, एकलरा, बोधवाड़ा, पिपरी, कुंडिया, चिखलदा आदि गांव के किसान मजदूर अपने ट्रैक्टर के साथ पहुंचे थे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम वाहिद मंसूरी है। अभी आप जो किसान यात्रा लेकर के आए हैं जी, ये किस उद्देश्य को लेकर के आए और सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? ये छोटी जो किसान यात्रा है, एक संदेश के रूप में हमने आज निकाली है इसको। इसकी आवश्यकता इसलिए बड़ी है कि पिछले 2021 में सन में संयुक्त किसान मोर्चा को सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि हम आप ये जो आंदोलन जो कर रहे हैं दिल्ली की बॉर्डर पे, इसको ख़त्म कीजिए और हम इस पर MSP का कानून बनाएंगे और एक राष्ट्रीय किसान समिति बनाएंगे। इस पर हम जल्द से कानून लाएंगे जिसमें किसान को 1.5 गुना जो भाव मांगा जा रहा है MSP पर कानून की जो मांग है, हम उसकी पूर्ति कर देंगे। लेकिन उस आश्वासन के बाद आज तक सरकार ने उस MSP पर कोई कानून नहीं बनाया और न ही राष्ट्रीय किसान समिति का कोई निर्माण किया। इस कारण से इतना समय गुजर जाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चे को आज फिर इस काम के लिए एक संदेश देने के लिए निकलना पड़ा है कि 30 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान इकट्ठा होंगे और वो MSP के कानून बनाने के लिए अपने मांग के लिए फिर इकट्ठा होकर बात रखेंगे और जो राष्ट्र समिति का जो बनाने का सरकार ने आश्वासन दिया है वो उसको पूरा करें। इसलिए देश भर के किसान फिर से दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं और सरकार को ये याद दिलाया जा रहा है संदेश के द्वारा कि किसान भी जागे और सरकार भी अपने दिए गए आश्वासन को पूरा करे। आप कोई ज्ञापन भी दे रहे हैं क्या सरकार? अभी हमने फिलहाल किसी को ज्ञापन नहीं दिया है, सिर्फ जो हमारे गांव-गांव के जो किसान भाई लोग हैं उनको भी एक संदेश देने के लिए हम निकले थे। अभी फिलहाल यात्रा कहाँ से और कहाँ तक जा रही है? हमारी यात्रा बड़वानी से शुरू हुई थी और वापस हम रेगुण, बालकुआ, तलवाड़ा होते हुए अंजड़ आए हैं और अंजड़ में हम मंडी के पास इसका समापन करते हुए वापस बड़वानी के लिए जाएंगे। खबर भारतवर्ष के लिए अंजड़ जिला बड़वानी से रवि शिमले की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।